कहते हैं कि ठग कितना भी शातिर हो, कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। फर्जी IAS अधिकारी बनकर न सिर्फ लोगों के साथ ठगी करना बल्कि लोगों की जान के साथ खेलने वाले देवांजन देव पर ये बात पूरी तरह लागू होती है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी दुनिया के लिए नासूर बन गई है, लाखों लोगों ने इसे लेकर अपनी जान तक गवा दी है, वहीं इस बीमारी के फर्जी वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने वाले देवांजन देव अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। न सिर्फ आम लोगों को बल्कि कई रसूखदारों को भी देवांजन देव ने झांसा दिया था। सांसद मिमी चक्रवर्ती ने जैसे ही इस 420 की पोल खोली, पुलिस इसे दबोच कर पूछताछ के लिए थाने ले गई। शानो शौकत से रहने वाले इस शख्स का नाम देवांजन देव है, जिसके लिए लॉकअप के दरवाजे तो खुले ही हैं, साथ ही जेल की चक्की भी इससे अब ज्यादा दूर नहीं। आरोप है कि देवांजन देव नाम के शख्स ने कोरोना से बचाव के लिए कोलकाता में वैक्सीनेशन अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों लोगों को नकली वैक्सीन दी गई। पैसे लेकर वैक्सीन देने के इस फर्जी अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाने के लिए इसने अपने कैंप का उद्घाटन तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती से करवाया। सांसद मिमी चक्रवर्ती के अलावा उद्घाटन के मौके पर TMC से जुड़े कई नेता भी मौजूद थे। हालांकि देवांजन ने ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों की मदद के लिए कैंप लगाने का दावा किया, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा सके, इसके लिए मिमी चक्रवर्ती ने भी यहीं वैक्सीन ले ली। टीका लगवाने के बाद उनके पास वैक्सीन लगवाने से संबंधित कोई आधिकारिक मैसेज उनके मोबाइल पर नहीं आया। इसके बाद मिमी को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। কালকে যখন আমি কার্ডটা রিসিভ করিনি তখনই আমি কনসার্নটা রেজ করি আর তারপরেই পুরো র‍্যাকেটটা ধরা পড়ে। মিমি চক্রবর্তী का आरोप है कि वैक्सीनेशन के लिए कार्ड पर जानकारी भरने के लिए उनसे उनका आधार नंबर मांगा गया। उनसे वो सभी जानकारी मांगी गई जो कोविन ऐप पर मांगी जाती है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का मैसेज नहीं आया। इसके बाद उन्हें शक हुआ तो कोलकाता पुलिस को उन्होंने शिकायत की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता की एक निजी कंपनी से 1,11,000 रुपए लेकर के उनके 170 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को देवांजन देव ने ये फर्जी वैक्सीन दी। अब सभी लोग सख्ते में हैं अपनी सेहत को लेकर के और ये जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीन के नाम पर उन्हें आखिर क्या दिया गया। पुलिस ने इस पूरे गोरख धंधे को किस तरह अंजाम दिया जाता है इसका पता लगा लिया है। बताया गया कि देवांजन देव कस्बा में कोलकाता नगर निगम का एक फर्जी दफ्तर चलाता था, जिसमें 20 लोग काम करते थे। वो IAS अफसर की तरह नीली बत्ती वाली गाड़ी में चलता था। खुद को कोलकाता नगर निगम का ज्वाइंट सेक्रेटरी बताकर इस शख्स ने बाजार से वैक्सीन की शीशी जैसी दिखने वाली इंजेक्शन खरीदी। इसके दफ्तर पर छापे से पुलिस को बड़ी संख्या में एक खास इंजेक्शन की शीशियां और कोविशील्ड वैक्सीन की फर्जी लेबल यानी चिप्पी मिली। यही चिप्पी इंजेक्शन की शीशियों पर मिली। अब तक की जांच में ये भी पता चला है कि देवांजन देव ने कम से कम 2 कैंप लगाए, जिनमें एक दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में तो दूसरा उत्तरी कोलकाता के एक कॉलेज में लगा। इन दोनों कैंपों में 1,000 से ज्यादा लोगों को नकली वैक्सीन दिए जाने का अनुमान है। जिन लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई, उनमें छात्र और शिक्षक भी हैं। अब तक जो जानकारी मिली है वो न सिर्फ सनसनीखेज है बल्कि डराने वाली भी है। लोगों को पानी में किसी तरह के पाउडर को मिला करके इंजेक्ट किया गया है। अपनी जान बचाने पहुंचे लोगों को अब ये जो फर्जी वैक्सीन दी गई है, ये क्या उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है, इसको लेकर के जांच चल रही है। जितना खतरनाक देवांजन देव का वैक्सीनेशन अभियान था, उतनी ही गहरी इसकी साजिश थी। न केवल इसने IAS अफसर बनने का ढोंग रचा, अपने फर्जी कार्ड बनवाए, बल्कि इसने नेताओं के बीच भी गहरी पैठ बना ली। मिमी चक्रवर्ती को तो इसने अपने शिविर में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया ही। इसके पहले इसके कार्यक्रम में कई मंत्री और TMC के दूसरे नेता भी आ चुके हैं। 15 जून को सोनारपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में एक विधायक जी भर कर इसकी तारीफ करती दिखी थी। यही नहीं, इसकी तस्वीर राज्यसभा सांसद शांतनु सेन से लेकर बंगाल में मंत्री सुब्रत मुखर्जी के साथ मिली है। एक तस्वीर में बंगाल सरकार में मंत्री और पूर्व मेयर फिरहाद हकीम जिस अंदाज में इन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते दिखे, उससे भी जाहिर होता है कि इसने बड़े बड़ों को गच्चा दे रखा था। और तो और, इसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति के अनावरण के एक पत्थर तक पर दिखा। जाहिर है न इसकी साजिश छोटी थी और न ही इसके तार छोटे मोटे लोगों से जुड़े रहे होंगे। अब जब इसका कच्चा चिट्ठा सामने आया है और पुलिस का शिकंजा भी इस पर कस चुका है, तो IMA ने भी इसके खिलाफ FIR दर्ज की है। सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती की सूझबूझ से इस फर्जी वैक्सीन कांड का भंडाफोड़ तो हो गया,
लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फर्जी स्टैंप और लेटर हेड देवांजन देव को कैसे मिले? क्या कोई ऐसी सजा उसे दी जाएगी जिसके बाद ये घटना अंतिम ऐसी घटना होगी? क्या राजनीति के ऊपर उठ करके इस मामले को देखा जाएगा?